चीन को बेनकाब करने के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली दोपहर बाद हमीरपुर पहुंची। तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के प्रधान की अगुवाई में प्रतिनिधि मोटरसाइकिल रैली द्वारा मैक्लोडगंज से किन्नौर जा रहे हैं और बाइक रैली के माध्यम से चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए भी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। कोरोना बीमारी को फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है, तिब्बतियों को आजादी दी जाए और तिब्बतियों का शोषण बंद किया जाए। बाइक रैली के माध्यम से भारत सरकार से तिब्बत को समर्थन किए जाने की मांग की जा रही है। बाइक रैली के दौरान हमीरपुर पहुंचे प्रतिनिधियों ने इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली का उद्देश्य चीन को सभी झूठों, तर्कों और अत्याचारों के लिए बेनकाब करना है, जो न केवल तिब्बतियों के लिए है बल्कि दुनिया भर के प्रभावितों के लिए है। बाइक रैली के माध्यम से मेड इन चाइना उत्पादों का बहिष्कार करके चीन को जवाब देना, भारतीय जमीन पर चीन के अवैध घुसपैठ का मुकाबला करने और उसे नियंत्रित करने के लिए तिब्बत की स्वतंत्रता करवाना है। इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली के तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के प्रधान गोम्पू ने बताया कि तिब्बतियन यूथ के प्रतिनिधि मोटरसाइकिल रैली द्वारा मैक्लोडगंज से किन्नौर जा रहे हैं और बाइक रैली के माध्यम से चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए भारत सरकार अपना साथ दे और राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात करके अपनी मांगों को रखेंगे। है यहाँ से निकल मेट्रोडन से निकल कर परसों तक हम किन्नौर का जो हमारे भारत और तिब्बत का सीमा है वहीं तक हम बाइक रैली कर रहे हैं। आज इसमें हमें शामिल हुआ है 65 लोग हैं टोटल, 55 हमारे बाइकर्स हैं, इसके साथ हम 10 क्रू मेंबर हैं, 55 लोग। सो हमारे जो आंदोलन जो कर रहे हैं उसका मांग जो है, पहले बार जो चीन का जो अभी जो बीमार जो हमें फैला हुआ है देश विदेश सब में, इसका जिम्मेदार जो है चीन को ठहराने के लिए एक बार। दूसरे बार जो हमारे सीमा में चीन ने लगातार हमला करते रहा था, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए हम ये हमारे पहले डिमांड है। दूसरी डिमांड जो है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। ये ऐतिहासिक गवाह है कि जब तिब्बत एक आज़ाद देश था उस टाइम में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी दिक्कत नहीं था, जैसे अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी का जो हर्षद कर रहे, जो शोषण कर रहे, वो सब पहले नहीं था। जब तिब्बत जो है चीन के कब्जे के लेने के बाद ये सब हुआ था, तब हम आज़ादी के लिए मांग कर रहा हूँ। इसी के तौर से हम इंडिया का जो हमारे जो यहाँ पे जनता है और भारत सरकार को ये मांग करते हैं कि तिब्बत के आज़ाद के लिए सपोर्ट करें। जब तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो फिर भारत तो अपने आप सुरक्षित हो ही जाएगा। और तीसरा हमारे मन के जो है चीन के शोषण के नीचे हमारे तिब्बती बहुत लोग गिरफ्तार किया हुआ है, वो लोग अभी जेल से रिवाना करने के लिए और छोड़ने के लिए हमने डिमांड है। तो हम ये तीन डिमांड लेके अभी यहाँ से मैक्लोडगंज से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इसके बाद हम आज बिलासपुर ठहरे, फिर कल रामपुर, उसके बाद हम सीमा तक जा रहे थे। कुछ लोग बताया गया जिसे कि हम तिब्बती को भारत ने बहुत संविधान दिया था, संयोग दिया था। हम तो यही पैदा पुला हुआ है क्योंकि अपना दूसरा घर जो है हम भारत मानते हैं, लेकिन हमारे आज़ादी के मांग के लिए अभी तक भारत सरकार ने इतना ताकत तो नहीं दे पाया। तब हम मोदी सरकार को यही हम अनुरोध करते हैं और हमारे लोग जनता लोगों को भी, हमारे लोकल पीपल को भी यही अपील करते हैं कि अभी तिब्बत अगर आज़ाद हो जाएगा तो ऐसे हालात में भी हमें इंडिया का सिक्योरिटी भी सुधर जाएगा। मतलब कि ये कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में तिब्बतन के सेटलमेंट है, जितना भी हमारे जो देखभाल है, स्कूलिंग है, इसमें बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि पॉलिटिकल मोटिव में भारत सरकार, भारत इतना ताकतवर देश है, एक ताकतवर देश है, चीनी को ताकत दे सकेगा, इसके लिए हम काउंटर चैलेंज पे अगर भारत ने हमको सपोर्ट कर दिया तो आसान से हम चीन को हरा सकते हैं। तो हमने मांग किया था, अभी हम ये बाइक रैली के बाद दिल्ली में भी हमारे लॉबी है, लॉबी में हम मंत्री को मिलना है, हम संसद वालों को मिलना है, सबको अपील करके एक ठोस कदम उठाना है भारत सरकार की तरफ से, ठोस कदम उठ के और चीन के खिलाफ भी वही है। बाइक रैली के सदस्यों ने बताया कि इंडो चीनी बॉर्डर वास्तव में इंडो तिब्बत बॉर्डर है, लेकिन चीन ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन का रवैया कभी बदलने वाला नहीं है और चीन के असली चेहरों का बेनकाब करने के लिए भी इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली निकाल कर लोगों और सरकार को अवगत करवाया जा रहा है और भारत सरकार से मांग की जा रही है कि तिब्बतियों का साथ दिया जाए। यहाँ से जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ तक जाने वाले हैं और उसका विषय यह है कि ताकि जो भारत सरकार है, जो भारत के जनिए हैं, उनको पता चले कि जो आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो इंडो चाइना नहीं है, इंडो तिब्बत है। और
इंडिया और इंडियंस को पता ये होना चाहिए कि जो तिब्बत जो था वो हमेशा से ही एक आज़ाद देश था जिसको चीन ने वायलेंटली कब्जा किया है। उसी हिसाब से आज जो है आज की तिब्बती युवा जो है हम मांग कर रहा है एक आज़ाद तिब्बत को। कुछ ही महीने पहले हमने देखा था कि चीन का रवैया क्या है, उसी हिसाब से हम ये भारत सरकार को और भारत के लोग को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का रवैया कभी भी बदलने वाला नहीं है और हम कभी भी चीन और चीन के शासन को यकीन नहीं कर सकते। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो तिब्बत का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक तिब्बती का मुद्दा नहीं है और तिब्बत देश का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है और स्पेशली इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसी हिसाब से इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको बात करनी चाहिए तिब्बत के इशू के बारे में, हमारे लिए नहीं, इंडिया के लिए, इंडिया के भविष्य के लिए और इंडियंस के भविष्य के लिए। उसी हिसाब से हम ये मानते हैं कि जितना कुछ भी भारत सरकार ने हमारे लिए किया है हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो हम जो टिबेटन्स रिफ्यूजी है उन सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो तिब्बत में बसे हैं उनके लिए भी भारत सरकार अपनी आवाज़ उठाए। जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसका विक्टिम सिर्फ तिब्बती लोग नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे उइगुर के महिलाएं हैं, सदर्न मंगोलिया की महिलाएं हैं और हमारे महिलाएं ऑब्वियसली, तो हम सब इस चीन सरकार के नीचे दबे हुए हैं, उसके नीचे हम सफ़र कर रहे हैं और भविष्य में ही इस तरह का समय दोबारा आएगा जब तक चीन ना बदले और चीन की सरकार ना बदले। और हमें ये लगता है कि इंडिया को स्पेशली इस विषय के बारे में बहुत बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना सोचे, अगर इसकी तरफ हम ध्यान ना दें, भविष्य में इंडिया के ऊपर भी दिक्कतें आ सकती हैं। और हमें लगता है दिक्कतें आना शुरू हो गया है बॉर्डर में। हम अभी इस समय हम बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में, हमें ये पता चलना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है या उत्तराखंड के एरिया में किस किस जगह पे चीन का जो आर्मी है वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर आ रहा है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पूरे इंडियन के लोग को डिस्कस करना चाहिए और पता चलना चाहिए।